अगली खबर में बात करते हैं छतरपुर की, जहां जिला के नौगांव मेला ग्राउंड में ओबीसी महासभा के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में महासभा के पदाधिकारी जमकर बरसे। नगर के मेला ग्राउंड प्रांगण में ओबीसी एससी एसटी की एक विशाल महासभा का आयोजित की गई। महासभा की सुरक्षा व्यवस्था के लिए जिले भर के थानों चौकियों से आई भारी पुलिस बल नगर के चौक चौराहों से लेकर महासभा स्थल में मुस्तैदी से पहरा देती रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता नाजी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजू बिछोले के द्वारा की गई। ओबीसी महासभा में पूर्व विधायक आरडी प्रजापति के अलावा मंच पर आसीन ओबीसी के पदाधिकारी मौजूद रहे, जहां ओबीसी महासभा के मंच से दूर दराज से आए पदाधिकारियों ने हजारों की संख्या में शामिल हुए महासभा को संबोधित किया। महासभा में पूर्व विधायक आरडी प्रजापति ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह सरकारें हमें सभी को बांटने एवं इनकी अनुवादी विचारधारा समाज को तोड़ने का काम कर रही है, जिसको सह देने का काम देश और प्रदेश की सरकार कर रही है। अपराधियों को संरक्षण एवं सुरक्षा प्रदान कर दलित समाज कमजोर वर्ग का शोषण एवं उनके साथ भेदभाव कर रही है, लेकिन इनकी ओर किसी का ध्यान नहीं है। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा में ऐसी निकम्मी सरकार को इसके परिणाम भुगतने होंगे। हम सब न्याय की लड़ाई लड़कर अपने मुकाम तक पहुंचेंगे। हम गरीब मजदूरों एवं किसानों और दलितों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और उन्हें उनका अधिकार दिलाकर रहेंगे, चाहे हमें इस लड़ाई में अपनी जान का बलिदान ही क्यों ना देना पड़े। ओबीसी महासभा समाज को शिक्षित और जागरूक करने का कार्य कर रही है, जिससे हमारा समाज सशक्त और संगठित होकर अपने अधिकारों की रक्षा कर आगे बढ़ सके। ओबीसी महासभा में आरडी प्रजापति ने भाजपा शासन एवं बीडी शर्मा पर आरोप लगाते हुए कहा कि ओबीसी महासभा को असफल बनाने के लिए एक षड्यंत्र रचा गया। गांव गांव की पंचायतों में आज भी शासकीय कार्य की जिम्मेदारी देकर कैंप लगाए गए, जिसका आदेश भी हमारे पास है, लेकिन इस ओबीसी महासभा में जो हजारों की संख्या में भीड़ जुटी है, यह भाजपा सरकार के द्वारा पैसों से खरीदी भीड़ नहीं है। अब लोग जागरूक हो चुके, इनकी दोहरी राजनीति को समझ चुके। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पर आरोप लगाते हुए कही कि जब से ये प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, तभी से इन्होंने ब्राह्मणों को बढ़ावा देकर इस क्षेत्र के ब्राह्मण बात फैलाया है, और अब ओबीसी इस ब्राह्मणवादी के दोगलेपन को जान चुके हैं, जो हमें बरगला कर हमारे लोगों का शोषण करते हैं। ऐसे ब्राह्मणवादी लोगों को अब यह ओबीसी महासभा सबक सिखाएगी। साथ ही ओबीसी पदाधिकारियों ने सत्ता पक्ष में बैठे ओबीसी समाज के नेताओं को भी कोसते हुए कहा कि यह सत्ता के गुलाम बनकर बैठे, जो हमारी आवाज नहीं उठती। ओबीसी महासभा इन्हें भी चिन्हित करके सबक सिखाएगी। छतरपुर जिले के मारपीट का मामला और बागेश्वर धाम से जुड़े जमीन हड़पने का मामले को लेकर ओबीसी महासभा के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि इन परिवारों को जल्द ही न्याय नहीं मिला तो महासभा उसी स्थान पर जाकर उग्र आंदोलन करेगी, जिसकी जिम्मेदारी शासन व प्रशासन की होगी। महासभा के समापन के बाद ओबीसी महासभा के पदाधिकारियों ने 15 सूत्रीय मांगों को लेकर तहसीलदार सुनीता साहनी को ज्ञापन सौंपा है। क्या दिया आपने? कितने आपने कैंप लगाए? कितने कैंप लगा चुके हो आप? एक कैंप में काम नहीं होता है आपके यहाँ। मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ जितने भी कैंप लगते हैं, आपका केवल खाना पूर्ति की जाती है, केवल खाना पूर्ति, कुछ नहीं किया जाता खाना पूर्ति के अलावा। और आपके यहाँ जो जन सुनवाई होती है, जन सुनवाई उसी की होती है जिसका आपका पटेरिया जी चाहते हैं, अरविंद पटेरिया, बीडी शर्मा चाहते हैं, उसी की जन सुनवाई होती है, इस जनता की सुनवाई नहीं होती है। अरे आप लोग बैठते जाओ भाई, अरे अपने अधिकार लेने के लिए आए हो, मैं आपके चरण छूता, बैठ जाइए ना कुर्सी, बैठ जाइए। अरे कुर्सी से क्यों डर लग रहा है? तभी तो आप रोते हो, बिलखते हो, हाथ कुल जोड़ते जाते हो, कुर्सी भरिए आप, आ जाइए। अगर आप लोगों में थोड़ा बहुत पानी है और खून नहीं है, पानी है, तो आप चले जाइए। जब जैसा अपने को ऐसा आदमी भी नहीं चाहिए जो अपने अधिकार के लिए आता है और बाहर मोबाइल खाता है, वो आदमी भी हमें नहीं चाहिए। कहते क्योंकि ये चोर चोर दोनों मौसेरे भाई है, ये चोर चोर मौसेरे भाई है, इसलिए इन शिखंडियों से सावधान रहना। ये करने वाले कुछ नहीं है, ये परजीवी है, परजीवी, ये हमारे ही जीव, हमारे ही कपड़े में रहते और हमारा ही खून चूसते हैं। चीलर, चीलर कुछ करता है क्या?